इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी अब। वहीं इसके अंदर पहले ये कॉटन टाइप का एक बैग था, उसको मैं फाड़ कर इससे बीचों बीच लगा दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी ये इसमें होल से गिरे नहीं। तो इस प्रकार से मैं दे रही हूँ। अब हम मिट्टी देकर ये प्लांट को हम लगा देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये लग जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो आपके घर में ऐसे कोई कप है तो इसको फेंके नहीं, इसको प्लांटर की तरह यूज कर ले। आपके गार्डन में भी बहुत ही अच्छा दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा। ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट है लेकिन इसमें चल जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक लिमा का प्लांट को ऐसे लगा दूंगी। अब हम रियो प्लांट को लगाने के इसी तरह से अब इसके अंदर इस प्लांट को हम लगा देंगे। देखिए इतने छोटे छोटे प्लांटर आ जाता है तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से ही चल जाएगा। बस थोड़ा सा पानी का ख्याल रखना है क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी है तो सूखने का डर जल्दी रहता है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आपको ये अगर मेरी आइडिया पसंद आए तो आपके गार्डन में इसे यूज करना। अपने घर के कोई टूटे फूटे कप को इस तरह से प्लांटर जैसे यूज करना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में लिख के भेजिएगा कैसे लगा आपको। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।